राजपूत से तशरीफ लाई थी मोहतरमा चादरी शहजाद साहब। मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम चौराहे काम के खिलाफ तो खुला है। मैं दूसरे दौर में चादरी शहजाद साहिबा से जो आप अगर फरमाइश कर रहे हैं मैं उसे सुनवा दूंगा। आप जितना सुनवा चाहेंगे मैं उसे सुनवा दूंगा। हमारे दरमियान ये यहाँ आज के मुशायरे में मोहतरम हसनी भाजपी साहब, मोहतरमा आला रहमी साहिबा, जनाब काविश दौरवी, जनाब वसीम रामपुरी, मोहतरम खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी और ये तमाम चौराहे काम यहाँ तशरीफ रखते हैं। आइए इस वक्त को मैं ये चाहता हूँ ये फला और भी हमवार कर दी जाए और ये फला अभी तक जो मुशायरे का एक माहौल बना था अभी तक नहीं बन पाया है। मैं ये चाहता हूँ कि मुशायर को आवाज दी जाए जो जिसे आप सुनना पसंद करते हैं, जो मुशायरों में बड़ी ही एतमाद के साथ सुना जाता है, वो खूबसूरत लहजा, वो खूबसूरत अंदाज ऐसे शायर का है जिसको जिसे मैं ये कहते हुए आवाज देना चाहता हूँ कि शबनम की नमी धूप की ताबिश भी बहुत थी, शबनम की नमी धूप की ताबिश भी बहुत थी, बातों में टीले भीते सताइश भी बहुत थी, फिर भी नमी शम्मा ख्यालों की तुम्हारे आंधी भी बहुत तेज थी, बारिश भी बहुत थी। आइए जहाँ आंधी हो, बारिश हो, यादें हो, चेहरा हो, यादें हो, जब सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है तो ऐसी गजल के लिए मैं कैसे खूबसूरत बोले कि शायर को आवाज दे रहा हूँ जिसे हम सब काविश मुदौलवी के नाम से जानते हैं। आइए तालियों से इस्तकबाल करिए जनाब काविश मुदौलवी साहब लाइव का खुशी बैठे हैं। मैं चाहता हूँ उनका भी जवाब मुझ तक आए। मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अब लगा कि मैं अकबरपुर के बादशाह कामई हजरात के सामने मैं हाजिर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है गंगा जमनी तहजीब। ये एकता का स्टेज कौमी यकजहती का मुशायरा। मैं कमेटी की तमामी अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई मोहतरम राशिद राही साहब का जिन्होंने मुझे हुक्म दिया मैं आपके बीच आपके सामने हाजिर हूँ। ये करने मुशायरा डॉक्टर आजम साहब का हुक्म था। मैं धीरे धीरे आजम साहब तक भी पहुँचूंगा इंशाल्लाह। मेरे मोहतरम आजम साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। कौमी यकजहती का मुशायरा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ चार मसले पढ़ूँ। मेरे जी चाहता है दाइश सर मेरे बहुत ही मोहतरम हमारी जनाब हबीब हाशमी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब, हाशिम भाई, विकास भाई और दीगर वसीम भाई साहब सभी लोग तशरीफ। मेरी बड़ी बहन अली मोहतरमा अना देहली साहब तशरीफ फरमा है, दीगर तमरोही साहब और सामने शबनम और दीगर शाहरा तशरीफ फरमा है। इजाजत है लेकिन यहाँ पे कोई मुशारा मुशारा हो जाए। गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, यही चार मिसरे बताएंगे कि मुझे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। माइक वाले भैया थोड़ा सा माइक अच्छा सा बना दो, ठीक है तो डाल दो, अपने आवाज थोड़ा सा लंबी कर दो, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा पाएगी, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। कला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं। गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं, जो अपने देश की मिट्टी के काम न सके, हम ऐसे खून को काविश हराम कहते हैं। हम ऐसे फूल को काविश हराम कहते हैं। अच्छा लगा तो
कमेटी कमेटी के लिए बहुत जोरदार ताली बजा दी आजम भाई ने, जोरदार ताली बजा दी। को तन कर सलाम कहते हैं जो अपने देश के मिट्टी के सलाम सके, हम ऐसे खून को काविश हराम कहते हैं, हम ऐसे खून को काविश हराम कहते हैं। और ये चार मैं पढ़ता हूँ, मतलब खास समाप्त अपने कद से बड़े थे भी मत उड़ा करो साहब, अपने कद से बड़े थे भी मत उड़ा करो साहब, दायरे में रहे कर ही कुछ कहा करो साहब, दायरे में रहे कर ही कुछ कहा करो साहब, किस तरफ गए हो तुम तलाक की बातें, पहले अपनी बीवी लेकिन दोबारा आपकी जिम्मेदारी है, दो बात आगे बताइए क्या कहने मेरी बात, अपने हमें दोबारा पढ़ा लेकिन दोबारा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अपने कद से बढ़े भी मत उड़ा करो साहब, दायरे में रहे कुछ कहा करो साहब, दायरे में रहे कुछ कहा करो साहब, हाशिम भाई कह रहे थे तीन बार सुने जैसा दिखाई दिया, तीन का ही मतलब इजाजत है, एक बार जोरदार ताली बजाइए, चार मिनट और पढ़ता हूँ, मुशारे का मुशारा बना दिए। इजाजत है कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, आपके हौसले से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपको साथ मिलेगा कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, हाकिम वक्त परेशान नहीं है हम लोग, हाकिम वक्त परेशान नहीं है हम लोग, पेट पर बांध के पत्थर दिया करते हैं, गोश्त खाने के मुसलमान देखिए बहुत दूर से गोश्त नहीं मिला, गोश्त की बात आई मुझे पानी आ गया। मैं आपके हवाले से बताना चाहता हूँ कि इस्लाम या मुसलमान
सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है। पेश करता हूँ कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, हाथी में बात परेशान नहीं है हम लोग, पेट पर बात के पत्थर मिट्टियां करते हैं, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम लोग, गोश्त खाने यहूदी ईसाई तंजीमें ऐसी हैं जिनके नाम मुस्लिम तंजीमों से मिलते हैं, कुछ यहूदी ईसाई नाम ऐसे होते हैं जो मुस्लिम नामों से मिलते जुलते रहते हैं, करते वो कुछ है, नाम मुसलमान का बदनाम होता है। मैं इसको वादे करना चाहता हूँ आज के मुशायरे में चार मुस्लिम पेश करता हूँ, अगर लगे कि मैंने कोई सच्ची बात कही तो आप लोग दुआ दीजिएगा। होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते, मेरा साथ दीजिएगा कि होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते, मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते, नन्हे कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते, कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते। मेरे कुछ नौजवान दोस्त भी तशरीफ फरमा है, मुझे फरमाइशें भी हैं, उनका हुक्म है कि मैं रोमांटिक गीत और गजलें पढ़ूं, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अशआर जो हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा या हमारे और संजीदा लोग तशरीफ फरमा है, मैं उनका मुझसे गुजार करूँ। भीग भी अरे गंगा का पानी भूल गए, अच्छा लगे तब मेरा साथ दीजिएगा, ये कुर्सी वाले खामोश हो गए, फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, पेश करता हूँ कि पी के भी अरे गंगा का पानी भूल गए, कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए, पी के भी अरे गंगा का पानी भूल गए, कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए, ऐसा पहनाया गया अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए। और ये भी चार मित्र करता हूँ, जहाँ तक आप मेरा साथ देंगे मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत करता रहूंगा, जहाँ से आप खामोश हो गए मैं अपनी जगह ले लूंगा। पेश करता हूँ मेरे पास ये चार मित्र, इसको पेश करता हूँ, समझिएगा के इसको हुस्न के अब डर लगता है, इसको हुस्न के अब साए से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है, ऐसा कानून बनाया है मेरे हाकिम ने, शेर से डर नहीं अब साए से डर लगता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, जितनी जितनी दाद दी है इससे कहीं ज्यादा दाद आपको देनी पड़ेगी, नहीं जी इसी के अमल भी कर रहे हैं।
के इश्क को अब साए से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है, ऐसा कानून बनाया है मेरे हाकिम ने, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। चार मिसरे पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ चार मिसरे, आप खिदमत करना चाहता हूँ पर जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए। हम बने हैं फकत खुदा के लिए, लगना चाहिए फिर, हम बने हैं फकत खुदा के लिए, उस महबूब मुस्तफा के लिए, हम बने हैं फकत खुदा के लिए, उस महबूब मुस्तफा के लिए, तैयार कर बला के लिए। और चार मिसरे पेश करता हूँ, इजाजत है पढ़ू मैं, तो पीछे पीछे मेरे भाई बैठे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, वो भी साथ दे लेना। मेरे मेरे बड़े भाई हाजी फिरोजाबादी साहब, वसीम साहब, विकास भाई और मेरे तमामी बड़े भाई तशरीफ फरमा, मैं भी सुनाना चाहता हूँ, ये लोग पीछे तो मेरी याद दिला रहे क्या क्या पढ़ना है। चार मिसरे पढ़ता हूँ, कि ये अलग बात है अभी खामोश, ये अलग बात है अभी खामोश, आपकी हौसला अफजाई चाहता हूँ, चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर हाल, कि ये अलग बात है अभी खामोश, सौ पे हम एक अभी भारी है, ये अलग बात है अभी खामोश, सब हम एक अभी भारी है, जिद सीखे हो बम गिराना तुम, जिद सीखे हो बम गिराना तुम, वो बाबी जब हमारी है, वो बाबी जब हमारी है, पेश करता हूँ समाज फरमाए, कि हमको गद्दार जो भी कहते हैं, हमको गद्दार जो भी कहते हैं, कभी अशफाकुल अखा बनकर, कभी वीरबिल हमीद बनकर, ऐसे कई बार हमने अपने वतन के लिए, अपनी सरहद के लिए कुर्बानी दी है, और इंशाअल्लाह वक्त आने पर फिर दूंगा कुर्बानी, यही पेश करता हूँ चार नफर में बतौर पास समाज फरमाए। अगर आपके दिल में कुर्बानी का जज्बा है तो मुझे दुआ से नवाजेगा, कि हमको गद्दार जो भी कहते हैं, उनको एक रोज ये दिखाएंगे, आप पता चाहिए, कि हमको गद्दार जो भी कहते हैं, उनको एक रोज ये दिखाएंगे, सरहदों पर लहू वतन के लिए, सरहदों पर लहू वतन बहाएंगे। और ये भी चार मिसरे हम वतन के लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन जब बात बार इस्लाम की आती है तो वहां पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, वहां भी हम जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। चार के खाक में जुल्म को मिला देंगे, खाक में जुल्म को मिला देंगे, खाक में जुल्म को मिला देंगे, वो बुलाया तुझे दिखा दे,
कटा है काट देंगे और ये विचार नहीं होती नहीं होती चील बहुत उड़ने से बाद नहीं होती जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती चील बहुत उड़ने से बाद नहीं होती मजलूमों को मारने वाले शैतान से उसकी लाठी में आवाज नहीं होती उसकी लाठी उसकी लाठी में आवाज नहीं होती मैं दावे से कह सकता हूँ मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार ये मैं लगा बैठा हुआ मैं पेश करता हूँ आपके हवाले करता हूँ पेश करो समाज फरमाए मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है उन्हें हार दिखाई देती है मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है मेरे दोस्त विकास बर्धन साहब का शेर पढ़ना उनके हवाले से शेर पेश करता हूँ बतौर खास कि मजलूम सजाएं पाते हैं अगर सच्चा हो तो आपकी दुआ मिलेगी कि मजलूम सजाएं पाते हैं जालिम को रिहाई मिलती है मजलूम सजाएं पाते हैं जालिम को रिहाई मिलती है मजलूम सजाएं पाते हैं मजलूम सजाएं पाते हैं जालिम को रिहाई मिलती है जालिम को रिहाई मिलती है कानून की देवी भी हमको लाचार दिखाई देती है कानून हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है और जिस कौम ने अपना खून देकर मैंने कोई ऐसा कलाम नहीं पढ़ा कि कुछ याद आ जाए कि जिस कौम ने अपना खून देकर मुझे अभी गीत पढ़ना है कई दोस्तों का हो मैं गीत लिए मैं गीत पढ़ूंगा इंशाल्लाह लेकिन मैं चाहता कुछ कलाम आप तक पहुंचा दूं कि जिस कौम ने अपना खून देकर सींचा था वतन की मीठी को जिस कौम ने अपना खून देकर जिस
किसी को अब कौन वही कुछ लोगों को खत्ता दिखाई देती है अब कौन वही कुछ लोगों को क्या कहने अब कौन वही कुछ लोगों को गद्दार दिखाई देती है। मेरे बहुत से अच्छा ग्राम दशी शर्मा है और बुजुर्ग हजरात शर्मा है, मैं मतलब करता हूँ मतलब पेश करता हूँ कमेटी की तमाम की दुआओं के साथ ही मतलब पेश करता हूँ समाज समय जिस जिस चीज नाज है तुझको बहुत कम जमा कर मैं ये मतलब पढ़ता हूँ और पूरी उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं अकबरपुर में पढ़ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मतलब आप तक पहुँचेगा और मैं ग्राम भी कचीर तादाद में तशीर फरमा है उनकी दुआएं चाहता हूँ कि जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब आपके हवाले कर रहा हूँ जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब पानी हो जाएगी जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब पानी हो जाएगी पानी पानी थी ये दुनिया फिर पानी हो जाएगी। आज भाई पेश करता हूँ मतलब अपना खास समाधान है दर पर तेरे हम जिसकी भी परेशानी हो दर पर तेरे हम जिसकी भी परेशानी हो जाएगी अगर पहुंच रहा हो मिश्रा आप तक तो आप की आवाज़ें मुझ तक पहुंचे के नज़ा के बात जो तम अटकेगा कुरआही काम आएगा नज़ा के बात जो तम अटकेगा कुरआही काम आएगा नज़ा के बात जो दम अटकेगा कुरआही काम आएगा नज़ा के बात जो दम अटकेगा कुरआही काम आएगा आसानी हो जाएगी और
राहों से भटके हैं हम, फिर जो ही पल आ जाए। जिन राहों से भटके हैं हम, फिर जो ही पल आ जाए, फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। उनके लिए जो खुशनसीब है जिनकी माँ इस दुनिया में हयात है, और उनके लिए है जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, ये मतलब पेश करता हूँ। बतौर खास अगर आपके दिल को छू जाए तो अपने काबिज को अच्छी तरह से विदा कीजिएगा। कि नए माता की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। नए माता की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ, सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ, की तिलावत से जगाती है मेरी माँ, कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ, सरगोशियां कर कर के
के सोना मेरी माँ और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत नजारा अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ, खुद खाती नहीं मुझको